स्वागत है आपका ई न्यूज एमपी में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा खबरों के साथ। सीधी जिले में बदलते मौसम की मार किसानों की धान की फसल पर देखी जा रही है। उपार्जन केंद्र सिहावल बमूरी समेत अन्य धान उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखी लाखों की धान यानी किसानों की खून पसीने की कमाई पानी पानी हो गई। जी हाँ, बता दें कि जिले में इन दिनों धान उपार्जन समितियों के माध्यम से किया जा रहा है और उपार्जित धान खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। मौसम विभाग और कलेक्टर एमआर खान की चेतावनी के बाद भी धान की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लाखों की धान बारिश में भीग रही है। सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोत्रा रेलवे ट्रैक पर 19 वर्षीय युवती का शव मिला है। सिर कटा शव मिलने से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा जब जानकारी कुसमी थाने को दी गई, तब कुसमी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर विवेचना शुरू कर दी। युवती की पहचान गोत्रा निवासी बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार कर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई या तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की मनमानी हावी है। स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के विद्यालय में आने जाने का कोई समय नहीं, जबकि इस कड़ाके की ठंड में भी नौनिहालों द्वारा समय पर विद्यालय पहुंचकर शिक्षकों का इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अभिलाष तिवारी द्वारा बताया गया है कि मझोली जनपद के संकुल केंद्र पथरोला अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय खासा डोल प्राथमिक शाला पिपरही प्राथमिक शाला रामपुर का सुबह 10:20 पर से लेकर 10:45 के बीच बच्चे गेट के ऊपर से शाला में प्रवेश करते हैं तो कहीं खेल कूद कर शिक्षकों के आने और विद्यालय का ताला खुलने का इंतजार करते देखे गए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।